अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद अशरफ और आपको हम इस सेमेस्टर में पढ़ाएंगे एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके शामिल हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कंपनीज इससे क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती हैं और उसका बनाना क्यों ज़रूरी है, ये सारे सवालों के जवाब आज के लेक्चर के अंदर शामिल हैं। हम स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेवल का डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ताकि आप ना सिर्फ फॉर्मेट सीख सकें बल्कि इसके साथ साथ उसके पीछे मौजूद कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता जुलता एक और लफ्ज शायद आपने सुना हो, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें बैलेंस शीट आती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है और कैश फ्लो भी इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। आज हम एक्सक्लूसिवली कैश फ्लो पर बात करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहले इन सबको अलग अलग समझते हैं और फिर मिलकर इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। कैश पहला वर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश मीन्स एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू बाय और परचेज एन एसेट और एनीथिंग। किसी भी कारोबार में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो बदले में दिया जाता है उसे हम कैश कहते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक में हम कैश स्पेसिफिकली कैश की बात नहीं करेंगे बल्कि कैश इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, कैश या कैश से मिलते जुलते एसेट्स। जैसे कि कैश के साथ साथ एक और मिलता जुलता एसेट है बैंक। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम नेचर के हैं, दोनों को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और एसेट है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कैश एंड इक्विवेलेंट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बट टू कीप द थिंग सिंपल, हम फिलहाल कैश एंड बैंक के हवाले से काम करने वाले हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कंसर्न है कैश और कैश से मिलते जुलते आइटम्स, जैसे कि कैश हो गया और बैंक। तो सेकेंड वर्ड है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो है फ्लो। फ्लो मीन्स चेंज, तब्दीली। ये वो तब्दीली नहीं है जहां आपका रहन जा रहा है। तब्दीली, डेल्टा, डिफरेंस, एनीथिंग और या इसकी किसी भी तरह का वेरियंस, उसको हम फ्लो कह सकते हैं। और तीसरा और आखिरी से वर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट। अकाउंट्स में स्टेटमेंट मीन्स एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि हम P&L की बात करते हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि पूरे पीरियड में हमने क्या कमाया या फिर क्या गवाया। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैश में होने वाली तब्दीलियों को दिखाता है। तो इसको मैं आम जबान में यूँ कह सकता हूँ कि कैश फ्लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि कैश में पूरे अरसे में, चाहे वो साल हो, चाहे वो आधा साल हो, 6 months हो, चाहे वो 1 महीना हो या वो क्वार्टर हो, उस पूरे पीरियड में कैश किन किन वजूहात से हमारे कारोबार में आया और किन किन वजूहात से हमारे कारोबार से चला गया। इन तमाम के तमाम की डिटेल जिस डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हमें बताता है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू ट्रैक चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। पीरियड मैंने भी बताया डिफरेंट हो सकते हैं, और कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट हम एक्सक्लूसिवली कैश की बात नहीं कर रहे बल्कि कैश नेचर के डिफरेंट आइटम्स की बात भी करेंगे। और अब बात करते हैं एग्जांपल की। बिलो टेबल शोज चेंज इन कैश बाय 25,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक्स दिस चेंज ड्यूरिंग द पीरियड। नीचे एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। कैश हमारे पास 2020 करंट ईयर का मौजूद है 1,50,000। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का हमारे पास 2019,000 मौजूद है। 2019 का हमारे पास 1,25,000 मौजूद है। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कैश में जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 25,000 का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना तो बात करेगा 1,25,000 की और ना ही बात करेगा 1,50,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बात करता है इस आने वाले चेंज की जो है हमारे पास 25,000 का, 25,000 का, कि ये 25,000 जो हमें
2019 से 2020 में आने की वजह से जो कैश में इजाफा आया है, ये इजाफा एक्चुअली किन किन वजूहात की बिना पर आया? क्या हमने प्रॉफिट गेन किया, क्या हमने कोई एसेट बेचा, क्या हमने नए शेयर्स इशू किए, क्या वजह हो सकती है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में ये तमाम के तमाम सवालों का जवाब देता है कि अगर कैश में चेंज आया तो क्यों आया। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने मेथड्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आई बिलीव इस वक्त इन दोनों को डिस्कस करना कंफ्यूज करेगा आपको। फिलहाल इन मेथड्स को छोड़ते हैं और आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि आज की क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या होता है, कैसे दिखता है और वो डायरेक्ट मेथड से कैसे डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आगे चलते हैं हमारे पास कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने सेक्शंस होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली तीन डिफरेंट सेक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना कैश आया या कितना कैश गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। दूसरा सेक्शन भी हमें यही बताता है कितना कैश आया या कितना कैश गया लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। इसी तरह तीसरा सेक्शन भी कैश के आने और जाने को दिखाता है लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। तो देखा जाए ये तीनों के तीनों सेक्शंस कैश के आने और कैश के जाने को दिखाते हैं, लेकिन पहला सेक्शन सिर्फ उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंसर्न कर रहा होता है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को नज़र में रखता है। अब बात करते हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तीन सेक्शंस हैं बट मैं उल्टा चलना चाहूँगा ताकि आसान चीज़ को पहले डिस्कस किया जाए। स्टार्ट करते हैं तीसरे सेक्शन से जो हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं चीज़ों को समझने के। आपने पढ़ाई मुकम्मल की, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने सोचा चलें जी हम एक कारोबार खोलते हैं, और आपको पता है कारोबार के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है और कैपिटल के सोर्सेज दो, या तो आप कैपिटल खुद अपने जेब से लगाएं या फिर आप डेट के जरिए उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली ये बताती है कि हमारे कारोबार में पैसा सरमायाकारी की शक्ल में कब कब और कैसे आया और कब आया और कब गया। जैसे कि मुझे कारोबार में पैसा चाहिए था, मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैंने फॉर्मेशन की, मुझे कारोबार में पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने नए शेयर्स इशू कर दिए, नए शेयर्स इशू किए, कारोबार में पैसा आया। अब ये जो नए शेयर्स करने की वजह से जो कारोबार में पैसा आया, इसे मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डील करूँगा क्योंकि ये कारोबार में फाइनेंस लाने का जरिया बन रहा है। इसी तरीके से मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास एक और ऑप्शन है फाइनेंस को इकट्ठा करने का, वो है कि मैं नए बॉन्ड्स को इशू करता हूँ। नए बॉन्ड्स को इशू करने की सूरत में भी मेरे पास कारोबार में मौजूद सरमाए की जो कमी थी वो पूरी हो सकती है और इस एक्टिविटी को भी मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के सेक्शन में ही डील करूँ। जैसे कि आपको पता है कि बॉन्ड्स जब लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स को बाद में पे भी किया जाता है, बॉन्ड्स की पेमेंट है। और इन केस अगर मैंने किसी साल के किसी हिस्से में बॉन्ड्स की पेमेंट की है, अदायगी की है, तो ये भी चूँकि फाइनेंस के हवाले से है, कारोबार में सरमायाकारी के हवाले से है, तो ऑब्वियसली इसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही डील किया जाएगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि पहले जो हमने बॉन्ड्स लिए थे, बॉन्ड्स जारी किए थे, तो उस रत में हमारे कारोबार में कैश आया था, लेकिन इस केस में हम उन जिन से हमने उधार लिया था उन बॉन्ड होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर रहे हैं, तो इसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे, लेकिन इस केस में कारोबार में से पैसा जाता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ हमें कुछ इंटरेस्ट है जो बॉन्ड होल्डर्स को देना होता है, तो अगर हम बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स की बात हुई थी कि हम जब कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स इशू करते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफर्ड के केस में तो नहीं लेकिन कॉमन स्टॉक के केस में तो डेफिनेटली देना पड़ता है। तो अब जब मैं डिविडेंड की अदायगी करता हूँ तो भी उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही शामिल किया जाए। कंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को, हर तरह की एक्टिविटी जो कारोबार में सरमाया लाने की वजह बने उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही डील करें।
अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। कारोबार बन गया, पैसा आ गया, अब आता है बात उन पैसों को लगाने की, उन पैसों को खर्च करने की, ताकि उस पैसे से हम अपना शोरूम खोल लें, उस पैसे से हम अपना बिजनेस खोल लें, उस पैसे से हम अपनी कोई शॉप खोल लें, उसकी कोई फैक्ट्री लगाते हैं, रिगार्डलेस कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली फाइनेंसिंग में इकट्ठा किया हुआ पैसे की यूटिलाइजेशन की बात की जाती है। जैसे कि मैं कोई नया प्लांट बना लगा लेता हूँ, तो उस सूरत में जो मेरा पैसा खर्च होगा उसे मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसिडर करूंगा, या फिर चलता हुआ प्लांट मैं समझता हूँ कि इसे बेच देना बेहतर है और मैं चलते हुए प्लांट को बेच देता हूँ, तो इसे भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही कंसिडर करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास किसी भी तरह का और ऐसा एसेट जो मैं खरीदता हूँ और वो कैपिटल नेचर का, आई मीन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ही दिखाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सेक्शन की, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली कारोबार के ऑपरेशन को चलाए रखने के लिए जो हम जद्दोजहद और मुशक्कत कर रहे होते हैं, इसमें लगने वाला हर तरह का पैसा और इसमें से आने वाला हर तरह का पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। जैसे कि मैंने सेल कर दी, सेल की सूरत में आने वाला पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सेल करने के लिए मुझे ऑब्वियसली इन्वेंट्री की जरूरत होगी, अब इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए जो मैंने पैसा खर्च किया, इसे भी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर शामिल करता हूँ। चीजें बेचने के लिए मुझे एक दुकान की जरूरत है, उस दुकान का किराया अगर मैं पे करता हूँ तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाता है। इसके साथ साथ मैं कोई भी ऐसा खर्चा करता हूँ या कोई भी ऐसी इनकम रिसीव करता हूँ जो मेरे कारोबार को चलाए रखने के लिए या कारोबार के ऑपरेशंस को रन करे रखने के लिए ज़रूरी है, उसे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डालूँ। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक और एलिमेंट भी शामिल किया जाता है, वो है नॉन कैश एक्सपेंसेस। वो क्या होते हैं और उनको यहाँ रखना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो कंक्लूड करते हैं इसको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन सेक्शंस हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। हल्का सा ओवरव्यू ले लिया है और बेहतर क्लियरिटी के लिए हम एक क्वेश्चन भी आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, और इसके साथ साथ आगे स्लाइड्स में इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये है एक अदद सवाल जो है जुनैर एंड सन्स के नाम से, और इसमें हमारे पास बैलेंस शीट मौजूद है एज ऑन June 30, 2020 एंड 2019। दो सालों की बैलेंस शीट एक साथ दी गई है जुनैर एंड सन्स की। यहाँ रुकते हैं, सवाल को यहीं रोकते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं। हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश में आने वाली तब्दीली को ट्रैक करता है कि कारोबार को जब भी चलाया तो पैसा लेंगे और पैसा देंगे भी, तो पैसा कितना आया और कितना गया, इसका सिर्फ और सिर्फ कंसर्न पैसे में आने वाली तब्दीली को लेकर होता है। तो ये याद रखिए, अब हम दो सालों की हमारे पास बैलेंस शीट मौजूद है, अब इन दोनों सालों की बैलेंस शीट को हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद सवाल को आगे शुरू करते हैं। कैश देखते हैं जी, 2019 पिछले साल में हमारे पास कैश का बैलेंस मौजूद था 1 लाख रुपीज, जो कि 2020 के मिड तक आते आते हो गया है 60,000। मींस कैश तब्दील हुआ है, तो अब जब कैश चेंज होता है तो दो तरह की चीज़ें आती हैं, या कैश बढ़ता है या कैश कम आता है। इस केस में कैश में कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 40,000। कितनी कमी हो रही है, 40,000 की। पहले हमारे पास कैश था 1 लाख, अगर मुझे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो पहले हमारे पास कैश था 1 लाख और अब हमारे पास कैश है 60,000। तो चेंज जो हमारे पास आई है वो आई है 40,000 की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अभी हम बनाने वाले हैं वो बताएगा कि ये 40,000 में से कितना हिस्सा ऐसा है, इस साइड पे जाता हूँ, कितना हिस्सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास आया, कितना हिस्सा ऐसा है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, और इस 40,000 का कितना हिस्सा ऐसा है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से आए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है। इसके साथ साथ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल भी मौजूद है, 2019 में था 1,75,000 और 2,20,000 में आते आते अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हो जाता है 1,50,000। सवाल ये है
कि हमारा बैलेंस बढ़ा या कम हुआ। ऑब्वियसली हमारा बैलेंस कम हुआ, कितने से? 25,000 से। तो अभी हम फिलहाल हर अकाउंट में होने वाली तब्दीली को देख रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर तब होगा जब मैं तब्दीली या चेंज के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, और ये कॉलम है हमारे पास ये। अब जो नेक्स्ट कॉलम मैंने सामने बनाया, ये कॉलम मुझे इन दोनों सालों में होने वाली चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ अकाउंट रिसीवेबल की, पहले था 175,000, अब हो गया 150,000, कमी वाकई हुई है कितनी? 25,000, इसलिए वो नेगेटिव में दिख रहा है, यूनिट ब्रैकेट में दिख रहा है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अकाउंट की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इट यूज्ड टू बी 2,50,000 एंड नाउ इट 3,25,000, इजाफा हुआ है। कितने का चेंज आया है? 75,000, कोई ब्रैकेट नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, हमारा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एसेट लैंड। लैंड पहले मौजूद थी जीरो, और अब हमारे पास लैंड की वैल्यू मौजूद है 75,000, इट मीन्स लैंड हमने परचेज की है और चेंज आ रहा है 75,000 प्लस का। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है प्लांट इन इक्विपमेंट, पहले था 6,25,000 और अब मौजूद है प्लांट इन इक्विपमेंट 8,00,000 का, 1,75,000 रुपये में, 1,75,000 से इजाफा हो रहा है। इट मीन्स हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया है, जस्ट लाइक लैंड, जो पहले जीरो से अब 75,000, इट मीन्स लैंड को भी हमने इस साल में परचेज किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद है, जो कि कॉन्ट्रा एसेट होता है। इसका बैलेंस 2019 में मौजूद था 2,00,000 और अब है 2,60,000, मीन्स 60,000 का इजाफा हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमारे पास पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स बेसिकली हमारे पास इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है, ना देखे जा सकने वाले एसेट्स की कैटेगरी में आता है। 2019 में इसका बैलेंस था 1,00,000 रुपये और अब इसका बैलेंस हमारे पास मौजूद है 90,000। कुल मिलाकर जो चेंजेस हमारे पास देखने को मिली हैं वो देखने को मिली है 10,000। इसके साथ साथ हमारे पास बैलेंस शीट के दूसरी साइड इक्विटी साइड पर आते हैं। इक्विटी साइड में हमारे पास सबसे पहले मौजूद है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस 75,000 था, अब हो गया है 1,55,000, डिफरेंस देखने को मिलता है 80,000। डिविडेंड पेबल पहले मौजूद नहीं थे, अब डिविडेंड पेबल 10,000 से मौजूद है, मीन डिविडेंड पेबल की लाइब्रेरी में इजाफा हुआ है। यहाँ रुकते हैं और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और हम इसी तरह लेके चलेंगे, सवाल भी सॉल्व करते रहेंगे और साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता भी रहूँगा, सिखाता भी रहूँगा, ताकि ड्रॉप टू ड्रॉप आपके पास चीज जाए और रिटेंशन रेट हमारे पास बढ़ता रहे। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कॉमन स्टॉक, कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है हमारी किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, तो इस उम्मीद पे करता है कि इस पर जो भी कमाई होगी उस कमाई का कुछ खास हिस्सा मुझसे भी शेयर किया जाएगा, और वो जिस शक्ल में शेयर किया जाएगा अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसे डिविडेंड कहा जाता है। यहाँ पर डिविडेंड का बैलेंस 2020 में मौजूद है 10,000। इट मीन्स और ये भी लाइबिलिटी के तौर पर है, इसकी आप ट्रीटमेंट ज़रा देख लेते हैं। होता यह है कि पूरा साल हमारी कंपनी ने काम किया, काम करने के बाद कुछ खास अमाउंट प्रॉफिट जनरेट किया, वो कितना है इस सवाल में कहीं मौजूद नहीं है कि हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। जो भी हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस प्रॉफिट को हम उठाकर रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, वहां रख लेते हैं अपने पास। अब इस रिटेन्ड अर्निंग में मौजूद पैसा जो है इसे डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई अब ये कौन सा पर्पस होगा डिपेंड करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं। कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रही है, कंपनी को नया अपने ही या फिर किसी भी तरह, लेट सपोज कंपनी ने प्लान किया कि हमारे पास एक प्लांट था और एक और प्लांट हमें खोल लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर रिटेन अर्निंग में से एक खास अमाउंट निकालेंगे और रिजर्व बनाएंगे, और रिजर्व फॉर एक्सपेंशन का नाम दे सकते हैं। लेट सपोज हमने एक नया एसेट खरीदना है, हमने व्हीकल खरीदनी है, तो रिजर्व फॉर व्हीकल के नाम से कुछ पैसा निकाल कर रिजर्व में डाल देंगे। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा प्रॉफिट के अमाउंट वहाँ पड़ी रहती है, और हम उस प्रॉफिट के अमाउंट में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग जगहों पर वो पैसा डेलीगेट कर देते हैं, ताकि अपने प्रॉफिट अपने बिजनेस को वैसे रन कर सकें जैसे हम रन करना चाहते हैं। यहाँ पे 10,000 डिविडेंड पेएबल मौजूद है। इसका मतलब ये कि हमने ये डिसाइड किया कि जो भी हमने जिन लोगों ने वापस कॉमन स्टॉक रखे हुए हैं हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं उनको हम 10,000 का डिविडेंड देने वाले हैं। अब प्रोसेस ये होता है कि जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जी जिन जिन्होंने हमें हमारे कॉमन स्टॉक लिए हुए थे
उन सब को हम डिविडेंड देने वाले हैं, और साथ ही साथ अपनी रिटेन अर्निंग में से 10,000 की अमाउंट निकालकर डिविडेंड पेएबल की लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। और ये लायबिलिटी उस वक्त तक खड़ी रहती है जब तक शेयर होल्डर्स आकर हमारे बैंक से क्लेम करके डिविडेंड का पैसा ले नहीं जाते, तब तक ये डिविडेंड पेएबल की लायबिलिटी ही मौजूद है। इस वक्त डिविडेंड पेएबल की लायबिलिटी 10,000 मौजूद है, इट मींस हमने डिविडेंड अनाउंस जरूर किया लेकिन डिविडेंड की अदायगी अभी तक नहीं हुई। ये बात याद रखिएगा, डिविडेंड अनाउंस जरूर हुआ है, डिविडेंड की अदायगी नहीं हुई। ये बात बताना क्यों जरूरी है? बात बताना इसलिए जरूरी है कि हम जो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो एक्सक्लूसिवली कैश पर कॉन्सेंट्रेट करती है। तो हर वो एक्टिविटी जो कैश को डिस्टर्ब करेगी उन सबको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर करना होगा, ठीक है? बस इस बात को याद रखें। अब यहाँ पर मैंने एक नोट भी डाल दिया था जो कि नीचे अपीयर हुआ है, कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज 10,000 वर डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन पे नहीं किया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, वो है बॉन्ड्स पेबल। पहले 2019 में था जीरो और अब हो गया है 25,000 का इजाफा चेंज के कॉलम में दिख रहा है। इसके बाद कैपिटल स्टॉक के अकाउंट की बात करते हैं, 8,75,000 इसका बैलेंस था जो कि अब बढ़कर 1 million हो जाता है, और 1,25,000 का हमें चेंज दिखता है, इंक्रीज दिखता है। रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं, 2019 में रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस था 1,00,000 रुपये और 2020 के एंड तक पहुँचते पहुँचते हमारा रिटेन अर्निंग का बैलेंस बचता है सिर्फ और सिर्फ 50,000। ये एक बात की इंडिकेशन है कि एक्चुअली हमारी कंपनी ने लॉस को बेयर किया था, इसीलिए हमारी रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हुआ। अब एक और बात आती है, सर रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो किसी और वजह से भी कम हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, रिजर्व बनाने की शक्ल में, लेकिन हमें अपनी बैलेंस शीट में किसी तरह का कोई रिजर्व दिख नहीं रहा, तो कभी गुमान यही है कि हमारी कंपनी ने लॉस बेयर किया है, इसीलिए हमारी रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हुआ। चले और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि वो दिखता कैसे है और उसको हैंडल कैसे किया जाता है। अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा जाता है कंपनी का नाम जुनैर एंड सन्स, उसके बाद लिखा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन June 30, 2020, मौजूदा साल, साल पूरा होने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये भी एग्जैक्टली उसी वक्त बनाया जाता है जब साल खत्म होने के बाद हम दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, उसी वक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। हमारे पास जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब पब्लिश करती हैं, जो कि अपने रिसर्च में या अपने असाइनमेंट्स में आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी मौजूद रहता है। चलो यहीं पर आपको एक असाइनमेंट मिल गया कि क्लास के आखिर में एक असाइनमेंट तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपने अपनी तसल्ली के लिए किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी साल की डाउनलोड कीजिएगा और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसका फॉर्मेट क्या है और जो हम बात कर रहे हैं ये फॉर्मेट कैसा है। हम जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं आज वो है इनडायरेक्ट मेथड। इस वक्त इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट मेथड की जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके साथ ही देखा जाए। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले तीन सेक्शन में जो बात की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट में हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीनों सेक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इन तीनों से गुजरने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। और एक और बड़े मजे की बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गुजर जाने, इन तीनों मामला से होने के बाद एक्चुअली हमारा नेट कैश में चेंज कितना आया, जो कि सवाल शुरू होने से पहले हमें पता है कि नेट कैश में चेंज कितना आया है। ये आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, 40,000। तो हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें रिजल्ट देने वाला है टोटल, वो भी देने वाला है 40,000 का चेंज। तो क्रॉस चेक करने में काफ़ी हद तक हमें आसानी आने वाली है। चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एंट्री होती है नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। एक बात याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उल्टा चलते हुए आते हैं। कैसे? हमने कितना एक्चुअली कैश कमाया वो हमें नेट प्रॉफिट की शक्ल में दिख रहा होता है, उसमें से हम इनकम टैक्स और
इंटरेस्ट को हटा देते हैं। रीज़न क्या है, मैं चलाने लेक्चर्स में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ बताऊंगा कि इसको क्यों हटाया जाता है। फिलहाल आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है, इसको हटा दिया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हमें नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है इनकम टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का। जो सवाल हमारे पास मौजूद है, सवाल में कहीं भी हमारे पास इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी हमारे पास इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन पीएनएल तक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें ये नेट प्रॉफिट कैसे ट्रैक करें? तो नेट प्रॉफिट को ट्रैक करने के लिए जो हमारे पास क्लू मौजूद है वो है रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंसेस का। तो हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे जस्ट लाइक जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन किया करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, ये देखें जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है, यहाँ पर कैलकुलेशन अपेयर हुई है। रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस मीन्स हमारे पास जो 2020 हमारा करंट है, इसको इसके जो भी बैलेंसेस देख रहे हैं इन सबको हम क्लोजिंग बैलेंसेस कहेंगे, और ये 2019 के बैलेंसेस हैं, इन सब के बैलेंसेस को हम 2020 के परस्पेक्टिव से ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करें। तो रिटेन अर्निंग जो हमारे पास मौजूद है, क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 40,000, इसमें से लेस करेंगे रिटेन अर्निंग का जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आता है, ये हमारे पास मौजूद है 1,00,000 रुपीज़। सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये ओपनिंग बैलेंस जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है कि एंडिंग नहीं, यहाँ पर ओपनिंग लिखा जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आता है 50,000। अब जहन ये कहता है कि ये 50,000 जो हमें नेगेटिव दिख रहा है, 50,000 का लॉस हुआ है, यही हमारा फाइनल लॉस है? नहीं, ये हमारा फाइनल लॉस नहीं है, बल्कि हमें अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी हमारे रिटेन अर्निंग के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, उसे भी यहाँ पर एडजस्ट करना है ताकि प्योर नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स और इंटरेस्ट आ जाए। तो उसके लिए हमें डिविडेंड जो भी हमने डिक्लेयर किया था, जो कि यहाँ मेंशन है 10,000, और वो भी हमारे पास डिविडेंड टेबल के लाइब्रेरी गिवन है 10,000, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड बैक करना क्यों ज़रूरी है, मैंने शुरू में एक बात बताई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उल्टा चलते हुए आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो नीचे से ऊपर जाते हुए जिन जिन चीज़ों को हमें लेस किया होता है उन सबको हम ऐड बैक करते हैं ताकि हम लोग ओपनिंग फिगर्स तक पहुँच सकें। तो इसीलिए डिविडेंड जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारे रिटेन अर्निंग के अमाउंट को कम करता है, हमारे प्रॉफिट के अमाउंट को कम करता है। मुझे दोबारा प्रॉफिट तक पहुंचना है तो जो भी मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए अमाउंट को माइनस किया था उसको दोबारा ऐड बैक करूंगा तो मैं अपने इनिशियल प्रॉफिट की तरफ पहुँच जाऊँगा। तो मैं इस माइनस 50,000 में 10,000 प्लस करता हूँ तो अब मेरे पास माइनस 40,000 का नेट लॉस दिख रहा है। इस माइनस 40,000 के नेट लॉस को मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर कॉलम्स को डिस्कस करते हैं, हमारे पास दो कॉलम्स होंगे। तो पहला कॉलम होगा हमारे पास, इस पहले कॉलम में हम डिटेल लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम फाइनल फिगर्स लिख रहे होंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट ये पहला इंग्रेडिएंट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें शामिल करना होता है, और उसके बाद हमें दो तरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती है। जो पहली एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, ये वो बात है जो मैंने डिस्कस करनी थी आपसे कि नॉन कैश आइटम क्या होता है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट वो अमाउंट जो हमने कमाया, प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें अपने आमदन में से खर्चों को माइनस करना होता है। आमदन मीन वो पैसा जो हमने कलेक्ट किया, और खर्चे मतलब वो पैसे जो हमने लोगों को दे दिए। तो इतनी समझे, आपकी एक जेब है, उस जेब में पैसे आएगा कहाँ से, आमदन की शक्ल में। पैसे जाएंगे कैसे, खर्चों की शक्ल में। अब जो पैसा बच जाएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक। अगर आप खर्चे नहीं करते तो जो पैसा आया है आमदन है, जो आपने कैश कलेक्ट किया है, दैट इज योर फाइनल नेट प्रॉफिट। लेकिन चूंकि हमें खर्चे फेस करने पड़ते हैं तो इसीलिए हम उनको लेस करते हैं। अब दो तरह के खर्चे होते हैं, एक कैश आइटम्स कैश एक्सपेंसेस, दूसरे नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एग्जांपल देते हैं, रेंट एक खर्चा है, लेकिन जब भी रेंट की अदायगी की जाती है जेब से पैसा जाता है। इसके साथ साथ मैं यूटिलिटीज की बात करता हूँ, बिजली के गैस के बिल्स की बात करता हूँ, जब इसकी अदायगी की जाएगी तो जेब से पैसा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, है तो ये खर्चा लेकिन कभी भी एंट्री बनाते हुए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश को जाते हुए नहीं दिखाते, तो
करती है, ये खर्चा तो है लेकिन ये नॉन कैश, इसे कैश डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसको हमें अलग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कैश के आइटम्स कंसीडर करता है, तो इसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में रखा तो मैंने इसे बाकी एक्सपेंसेस के साथ ही ट्रीट किया, और जैसे बाकी एक्सपेंसेस ने मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कम किया, माइनस कर दिया, इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने भी मेरे जो कि नॉन कैश आइटम है इसने भी मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दिया, जो कि गलत है। प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है लेकिन कैश कम नहीं हुआ। तो इसको ठीक करने के लिए हम इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि नॉन कैश आइटम है इसको दोबारा एड बैक करें। अब बात करते हैं मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या। अब देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमारे पास अकाउंट मौजूद है, 2019 में ये था 2,00,000 का, और 2020 में आते आते ये हो गया है 2,60,000 का। तो इस साल में हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो फेस करना पड़ा है वो है 60,000। तो इस साल का जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है दैट इज 60,000, और इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तमाम के तमाम नॉन कैश आइटम को ऐड किया जाता है। रीज़न ये है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने नेट प्रॉफिट बनाते हुए माइनस कर दिए थे, लेकिन इस उस वक्त ये बात दुरुस्त थी, लेकिन आज क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली कैश की बात कर रहे हैं तो इनको दोबारा ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हैं तो ये खर्चे लेकिन इन्होंने बाकी खर्चों की तरह हमारे एक्सपेंस को, हमारे कैश को कम नहीं किया था, इसीलिए इसको दोबारा ऐड करते हैं ताकि हमारा जो नेट प्रॉफिट जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वो दोबारा सही नंबर्स दिखाना शुरू कर दे। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की फिगर्स है 60,000 जो हमने यहाँ देखी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं जैसे एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की एक शक्ल है। डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारे फिक्स्ड एसेट्स में होने वाली तब्दीलियों को, होने वाली कमियों को दिखाता है एक्सेप्ट लैंड के अलावा, लेकिन जो एमोर्टाइजेशन है ये भी हमारे एसेट्स में होने वाली कमी को दिखाता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली इनटेंजिबल एसेट्स ना नज़र आने वाले एसेट्स पर काम करता है, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हमारे एसेट्स तो होते हैं लेकिन दिखते नहीं। तो इसमें होने वाली तब्दीलियों को दिखाने के लिए हम एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का अकाउंट यूज़ करते हैं। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखते हैं सवाल में कहीं हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे सवाल में कहीं पर इनटेंजिबल एसेट मौजूद है, तो जवाब है हाँ, ये रहा हमारे पास इनटेंजिबल एसेट सबसे आखिरी पेटेंट्स के नाम से। पेटेंट्स होते तो है बट ये देखे नहीं जा सकते, तो इसीलिए इसमें होने वाली जो कमी बेशी होगी उसको हम एमोर्टाइजेशन की कैटेगरी में डालेंगे। एमोर्टाइजेशन की बात करते हैं तो 2019 में था ये 1,00,000 और 2020 में आते आते ये हो गया है 90,000, 10,000 की कमी है, और ये 10,000 की कमी हुई है एमोर्टाइजेशन की वजह से। अब एमोर्टाइजेशन हुआ है तो इट मीन्स इसको प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में दिखाया गया होगा। पीएनएल में ना सिर्फ दिखाया गया होगा बल्कि डेप्रिसिएशन की तरह बाकी एक्सपेंसेस के साथ ट्रीट किया गया होगा, और इसने भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कम किया होगा, जो कि सही बात उस वक्त तो ठीक थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये इसने माना कि ये एक्सपेंस है लेकिन इस एक्सपेंस की वजह से हमारी जेब से कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट जाता नहीं, इसलिए नेट प्रॉफिट को ठीक करने के लिए इस एमोर्टाइजेशन के अमाउंट को दोबारा ऐड कर देंगे ताकि हमारे नंबर्स ठीक दिखना शुरू हो जाए, जो है 10,000। और कोई देखते हैं हमारे पास नॉन कैश आइटम्स मौजूद हो। हाँ, और भी हमारे पास नॉन कैश आइटम्स मौजूद होते हैं, जैसे मेरा कैसेट है मैंने बेच दिया और उस पर होने वाला जो प्रॉफिट है उसको भी हम इस तरह, इसके अलावा रिटेंशन और भी बहुत सारे हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, बट इट्स गुड आई रियली प्रेफर कि इसको हम अभी ना डिस्कस करें, थोड़ी देर बाद या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि चीज़ें जितनी हम बता रहे हैं, जितनी हम देख रहे हैं, वो ना सिर्फ हम सुने बल्कि इसके साथ साथ हम क्वेश्चन करने के काबिल भी हो जाए। टोटल हमारे पास जो एडजस्टमेंट होती है 60,000 प्लस 10,000 दैट इज 70,000। देखें डिटेल लिखी फर्स्ट कॉलम में और टोटल हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है दोनों को। अब हम देखते हैं तो अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है ये है 30,000। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीएनएल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? तो पीएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नॉन कैश आइटम्स को यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अमोर्टाइजेशन को भी शामिल करता है, जबकि ये जो है ये प्योरली एंड प्योरली
उन एक्सपेंसेस को से निकाला गया है जो कैश को वाकयतन कम करते हैं, इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की एडजस्टमेंट कर रखी है इसमें पहले ही से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, मैंने बात किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम दो तरह के एडजस्टमेंट्स करते हैं, पहली एडजस्टमेंट होती है नॉन कैश आइटम की, वो हम कर चुके हैं, और दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल क्या बोला ये भी हम पढ़कर आ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के डिफरेंस को कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली, अभी वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज इस सवाल में कौन कौन सी मौजूद हैं। इस सवाल में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल एक करंट एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक एसेट है करंट, बाकी तीसरा हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है जो हमारे पास एक करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ ये तीन आइटम्स आएंगे, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेएबल। अब इस एडजस्टमेंट्स में हम क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट में भी हमने सिर्फ वही चीज़ देखनी है, आया करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज में होने वाली तब्दीली या चेंज हमारे कैश को बढ़ाया या कैश को कम किया। अगर इसने हमारे कैश को बढ़ाया तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, और अगर कैश को कम किया तो अभी उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल देखिएगा, पहले था 175,000 और अब हो गया है 150,000। तो अब इसका जो डिफरेंस दिखता है वो 25,000 नेगेटिव, इट मीन्स हमारे अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है 25,000। अब सवाल आता है कि इस 25,000 को मैं एसेट पर आने वाला इंपैक्ट, कैश पे आने वाला इंपैक्ट कैसे देखूं? तो सोचें अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ये कि मैंने लोगों से पैसे वसूल करने हैं। 2019 से मैंने 175,000 लोगों से पैसे वसूल करने थे, और 2020 में आते आते अब मुझे महज 150,000 रुपये वसूल करने हैं। इट मीन्स 25,000 रुपये मैं ऑलरेडी लोगों से वसूल कर बैठा। बात समझ में आती? 2019 में वसूल करने थे 175,000 और अब वसूल करने हैं 150,000। तो इट मीन्स 25,000 रुपये ऐसे हैं जो मैं लोगों से वसूल कर चुका हूँ। अब जब भी मैं पैसे लोगों से वसूल करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करूँगा, तो इस सूरत में मेरे कैश में इजाफा होगा या कैश में कमी होगी? ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब कि कैश में हमारा इजाफा होगा, और कैश में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली इसकी भी ट्रीटमेंट हम वैसे करेंगे कि डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि हम यहाँ पर पॉपअप करके। क्लियर है बच्चों ये सारी बात? अब कितने से इजाफा हुआ? 25,000। 25,000 को यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज के तौर पर लिखा। क्लियर है? मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नया ज़रूर होगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह फॉर्मेट हमें याद हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना को बड़ी मुश्किल बात नहीं रहेगी हमारे। दूसरा हमारे पास करंट एसेट मौजूद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को देखते हैं, 2019 में थी 250,000 और जून 30, 2020 में पहुँचते ये हो गई है 325,000। तो कुल मिलाकर इसमें 75,000 रुपये का इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये तो बात बहुत क्लियर है 75,000। अब एक मासूमाना सवाल, इस 75,000 रुपये को मैं प्लस में दिखाऊं या माइनस में? इस सवाल का जवाब हमें बस एक चीज़ से मिलेगा कि इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ने हमारे कैश पर क्या इम्पैक्ट डाला। जैसे अकाउंट रिसीवेबल की हमने बात की थी, तो उसने हमारे कैश पर क्या असर डाला था, कैश को बढ़ाया था या कैश को कम किया था? यही सवाल हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से पूछेंगे कि तुम 75,000 से बढ़ तो गए हो, इससे हमारा कैश बढ़ा है या कैश कम हुआ? 75,000 से मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ी, इट मीन्स मैंने पूरे साल में 75,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी, इसीलिए तो बढ़ी। जब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को परचेज करने की सूरत में हमारे पास मौजूद कैश या कैश के बराबर कैश या कैश के इक्विवेलेंट एसेट्स बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? ऑब्वियसली हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो कैश में हमारे पास कमी हो जाएगी, इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं। कितने से चेंज आया था? 75,000, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है इस जगह। ठीक, बहुत आसान, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट्स की बात। अब बात करते हैं लॉजिक्स की, जो बेसिक रूल्स के तौर पर याद करवाया जाता है या फिर रट्टा लगाया जाता है। तो रट्टे के हवाले से ये है कि
अकाउंट जब भी हम करंट एसेट्स की बात करेंगे, करंट एसेट जब भी बढ़ेंगे उन्हें लेस किया जाता है, करंट एसेट कम होंगे तो उस सूरत में उनको ऐड किया जाता है, उल्टा किया जाता है, करंट एसेट्स बढ़ गए तो उस सूरत में उनको लेस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और जब भी करंट एसेट्स भी कम हो जाते हैं तो उनको बढ़ा दिया, ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है, ये हमारा रूल है। बट कॉन्सेप्ट इससे पहले डिस्कस कर लिया था, इट्स गुड, आई रियली प्रेफर कि आप कॉन्सेप्ट तक रहें, कॉन्सेप्ट रखने की वजह से होगा ये कि इन फ्यूचर जब ये रूल्स जो हम रट्टा लगाते हैं जो आज या कल तो हमारी फिंगर टिप्स में है, लेकिन कुछ सालों बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मौका मिलता है या पढ़ाने का मौका मिलता है तो ये रूल्स उस वक्त आपको भूल चुके होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स ज़रूर याद रहेंगे। तो आई रियली प्रेफर कि कॉन्सेप्ट्स अपने पास रखें ताकि रूल्स भूल भी जाएं तो कॉन्सेप्ट्स आप दोबारा अपना रूल बना सकें। अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल में तीसरी हमारे पास कैटेगरी होती है एसेट्स की, हमारे पास अकाउंट्स की, वो है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मौजूद है और वो है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल को देखते हैं, 2019 में था 75,000 और 2,00,000, 2020 में पहुंचते हो गया 1,55,000, कुल मिला के चेंज आया 80,000 का, और 80,000 से हमारे अकाउंट्स पेबल बढ़े हैं। अकाउंट्स पेबल एक लाइबिलिटी, कर्जा, 75,000 रुपये का पहले था, अब 1,55,000 का हो गया है। इट मीन्स कि ये तो कन्फर्म है कि हमारे अकाउंट्स पेबल बढ़े हैं, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब बात करते हैं इसका कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़े, इसको थोड़ा आसान करते हैं। मैं एक आम इंसान, 2019 में मैंने किसी से उधार ले रखा था 75,000 रुपये का, जो कि यहाँ दिख रहा है इस जगह, और 2020 में जाते जाते मेरे पास, मेरे ऊपर जो कर्जा था वो 1,55,000 रुपये का हो गया। इट मीन्स मैंने 80,000 रुपये का और मजीद कर्जा ले लिया। जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन लेने की वजह से हमारे कैश में इजाफा होता है या कैश में कमी होती है, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब, हमारे जब भी हम लोन लेंगे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इस सूरत में हमारे पास मौजूद कैश में भी इजाफा होगा। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी इंक्रीज इन अकाउंट पेबल को, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कितने से, जितने से इजाफा हुआ है, चेंज कितना आया 80,000 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। टोटल एडजस्टमेंट्स हमारे पास कुल मिलाकर कितनी हुई हैं, 25,000 माइनस 75,000 प्लस 80,000, नेट हमारे पास बनता है 30,000 का हमारे पास चेंज आया है। अच्छा, अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 30,000 और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल टोटल हुई हमारे पास 30,000, इन दोनों को हम यहां पर एड अप करेंगे और हमारे पास एक्चुअल देखिएगा 60,000। ये 60,000 ऐसा है जो हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से जनरेट किया, मींस हमारे कैश में इजाफा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से 60,000 रुपए। यहां तक बात क्लियर? वो जब हमने शुरू में बात की थी कि तीन सेक्शंस हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज की वजह से कैश में कोई ना कोई तब्दीली आती है। तो यहां पर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या चेंज आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से हमारा कैश बढ़ा है, प्लस है ना बच्चों, प्लस होने का मतलब क्या है, हमारा कैश बढ़ा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अदरवाइज में लिखता नेट कैश यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 60,000 रुपये तो हमने इकट्ठे कर लिए थे पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें क्या बताती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट जरा लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में होने वाली तब्दीलियों को हम दिखाएंगे, उसमें कुछ इजाफा होता है या कमी होती है तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट मौजूद है लैंड। लैंड पहले कितनी थी, जीरो, अब कितनी हो गई, 75,000। लैंड बढ़ी या कम हुई, ऑब्वियसली बढ़ी, कितने से बढ़ी, 75,000 से। हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड। अब बात करते हैं इस एक्टिविटी से मेरे कारोबार पर क्या फर्क पड़ा, स्पेशली मेरे कैश पे क्या फर्क पड़ा, मेरा कैश बढ़ेगा या कैश कम होगा। जब भी मैं लैंड या जमीन खरीदूंगा तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। कैश दूंगा तो कैश की मिकदार मेरे कारोबार में बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऑब्वियसली अदायगी करने पर मेरे कैश की मिकदार में कमी आएगी, तो इट मीन्स मैं इसे यहाँ पर लेस करूँगा, लेस लिखा, और उसके बाद जो चेंज आया था 75,000 का, इसको यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, हर वो अमाउंट जो कि मेरे कैश को बढ़ाएगी उसे पॉजिटिव दिखाना है
और हर वो अकाउंट जो मेरे अमाउंट जो मेरे कैश को कम करेगी उन सबको जो कम करेगी उसको नेगेटिव में और जो बढ़ाएगी उसे पॉजिटिव में दिखा दी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कि बात करती है सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स में कोई और मौजूद है हमारे पास? फिक्स एसेट में देखें यस, प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम का एक एसेट मौजूद है जो कि पहले था 625,000 का, जो कि अब बढ़कर हो गया है 800,000 रुपीज, और इसमें चेंज आता है 175,000 का, चेंज नहीं इंक्रीज आता है 175,000 का। प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गए हैं 1,75,000 रुपए से। ये तो कंफर्म है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज क्यों हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट? ऑब्वियसली मैंने प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब एक मासूमाना सवाल आप जैसे मासूम लोगों से, वो ये कि परचेज जब हम करेंगे तो उस सूरत में मेरा कैश बढ़ेगा या कम होगा? सेम एग्जैक्टली लैंड की तरह, जब लैंड परचेज की थी तो कैश कम हुआ था, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी जब परचेज करूंगा तो मेरे पास मौजूद कैश में कमी होगी। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस करेंगे इसे। कितने से लेस करेंगे? कितने का इक्विपमेंट खरीदा था? 1,75,000 रुपए का। तो 1,75,000 को हम यहाँ दिखा देंगे। क्लियर है बच्चों? तो टोटल मिलाकर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मैंने क्या कमाया या क्या गवाया, वो टोटल मैंने कैश यूज किया है कितना, 2,50,000 रुपीज का कैश मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की मद में इस्तेमाल कर लिया, मेरे कारोबार में से निकल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने 60,000 मेरे कारोबार में इन किया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने 2,50,000 मेरे कारोबार में से निकाल कर बाहर कर दिया। अब रहता है हमारे पास आखिरी सेक्शन और इसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेसिकली क्या है, ये दिखाता है हर उस एक्टिविटीज को जो कारोबार में सरमाया लाने का बहाना बने या कारोबार में सरमाया लाने की वजह बने। अब कारोबार में सरमाया लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात है तो ऑब्वियसली हमारे पास कैपिटल होगा या बॉन्ड्स होंगे। यहाँ देखते हैं सवाल से कुछ मौजूद है, जी हमारे पास कैपिटल स्टॉक्स मौजूद हैं। कैपिटल स्टॉक की बात की जाती है हमारे पास, सबसे पहले बॉन्ड्स की बात, पहले बॉन्ड्स आ रहा है, ठीक बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद है 25,000 का, अब पहले मौजूद थे बॉन्ड्स हमारे पास जीरो, यहाँ देखिएगा पहले बॉन्ड से जीरो अब हो गया 25,000, बॉन्ड्स में इजाफा हुआ। बॉन्ड बेसिकली एक लाइबिलिटी होती है और ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस जिसने भी हमें कर्जा देना है, आइए हमें कर्जा दीजिए, उसके बदले में हम आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे और कुछ खास मुद्दत के बाद वो कर्जा आपको विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाए। अब हमारे बॉन्ड्स पेबल की लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है 25,000 से, तो उसका मतलब ये कि हमने लोगों से कर्जा लिया। जब भी हम लोगों से कर्जा लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद कैश में इजाफा हो जाएगा, हमारा पास मौजूद कैश बढ़ जाएगा। तो जब भी हम बॉन्ड्स रिसीव करेंगे तो सूरत में 25,000 को हम यहाँ पर प्लस में दिखाएंगे क्योंकि ये इसने हमारे कैश पर क्या इम्पैक्ट डाला, हमारे कैश को बढ़ा दिया। बच्चों यहाँ तक ओके सही चल रहा है, मैं एक दिन यहाँ रोक रहा हूँ, आप लोगों के देख रहा हूँ कोई मैसेजेस आए हुए हैं तो मैं उनको देख लूँ साथ साथ। नहीं जी आप लोगों के कोई मैसेजेस नहीं है, बस कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही हम ग्रुप पे भी बाद में देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अभी भी अपने क्वेश्चंस को रेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आई ट्राई कि मैं इसको यहाँ पर आंसर कर सकूं। चलें दोबारा जाते हैं अपनी स्लाइड पे वापस। ये सारी एक्टिविटीज हमने परफॉर्म कर ली थी, वन टू वन देखते हैं। ठीक यहां तक थे हम लोग, रिसीव फ्रॉम बॉन्ड्स, बॉन्ड्स हमने 25,000 ने बॉन्ड से रिसीव किए तो मैं यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो तीसरी और दूसरी एक्टिविटी दूसरी कैटेगरी बनती है वो है हमारे पास कैपिटल कैपिटल स्टॉक। ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। 2019 में थे 8,75,000 और 2,00,000 और
ये 2020 में बढ़कर हो गए हैं 1 मिलियन, वहीं 10 लाख और 1,25,000 रुपये से हमारे कैश में इजाफा हुआ। इसको हम यहाँ दिखाते हैं इश्यूड ऑफ कैपिटल, कैश में चूंकि इजाफा हुआ तो इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाएं। टोटल मिलाकर हमारे पास जो कैश हमने जनरेट किया है, मीन्स जो हमने कैश निकाला है अपने पास, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो हमने इकट्ठा किया है 1,50,000। अब एक सवाल आएगा आपके जहन में, मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें हर वो एक्टिविटी शामिल की जाती है जो सरमायाकारी के लिए ज़रूरी हो या फिर उससे ताल्लुक़ रखती हो, जैसे कि पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं, शेयर्स जारी कर किए जा सकते हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। साथ ही साथ बॉन्ड्स पे जो मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। इसी तरीके से कैपिटल स्टॉक पर जो मैं डिविडेंड दूंगा ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, तो इसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर शामिल करना चाहिए। बॉन्ड पर इंटरेस्ट हमने इस सवाल में तो कहीं पे नहीं किया, लेकिन डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पर। डिविडेंड देखिएगा, डिविडेंड हमारे पास मौजूद है 10,000, अगर मैं कर्सर लेके जा सकूँ तो ये रहा 10,000, ये हमारे पास है डिविडेंड पेमेंट, ये 10,000 मौजूद है, इसे हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल नहीं किया। क्या वजह हो सकती है इसकी? जो वजह है वो वजह हमने यहाँ पर मैंने रेड में करके लिखी थी कि कैश डिविडेंड डिक्लेयर तो हुआ था, इसकी अनाउंसमेंट तो हुई थी, ऐलान तो किया गया था 10,000 रुपये का, लेकिन अभी तक इसमें से अदायगी नहीं हुई किसी चीज़ की। तो इट मीन्स 10,000 रुपये हमने अनाउंस तो कर दिए, अदा नहीं किए उसका मतलब इसने हमारे कैश को डिस्टर्ब नहीं किया। कैश में डिस्टर्ब नहीं किया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको इस तरह से डील नहीं करेंगे। सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास 1,50,000 हमने जनरेट किए हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा कर्सर देखिएगा गौर से, मेरा कर्सर जा रहा है तीन चीज़ों, तीनों सेक्शंस की, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों के तीनों के टोटल्स देखिएगा। इसको मैंने बोल्ड किया था थोड़ा सा, ये 60,000 माइनस 2,50,000 एंड 1,50,000, ये तीन है, इन तीनों को हम एडअप करेंगे और एडअप करने के बाद ये हमें बताएगा कि कुल मिलाकर हमारे पास कितना चेंज आया है कैश में, नेट कैश में चेंज कितना है। लेकिन इससे पहले एक बात और देख लीजिएगा, हमें सवाल खुद बता रहा है कि मेरे पास कितना चेंज आया है। मेरा कैश शुरू में कितना था? 1,00,000, अब कितना हो गया है? 60,000, तो माइनस 40,000 का चेंज आया है जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। यही मैं देखता हूँ जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या ये भी हमें यही बात बता रहा है या नहीं? ठीक, अब देखते हैं डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड, और वो टोटल अमाउंट क्या बन रही है? 40,000। ये 40,000 है, इसको चेक कर लेते हैं, 60,000 प्लस 1,50,000, 1,90,000 माइनस करते हैं, यस माइनस 40,000 नेगेटिव ही आ रहा है। दिस इज अवर डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड, और ये पीरियड था हमारा पूरे एक साल का। अब चलते हैं हम आगे। अब चूंकि डिफरेंस हमने निकाल लिया, अगर मैं इस डिफरेंस को अपने एंडिंग बैलेंस में एडअप कर दूँ तो मेरे पास बड़े आराम से पिछले बैलेंसेस आ सकते हैं। एक मिनट शायद ठीक। हाँ चलिए, अब मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बिगिनिंग बैलेंस था, बिगिनिंग बैलेंस मीन्स 2019 का जो बैलेंस था वो है 1,00,000 रुपीज़। इसको मैं इसमें ऐड बैक करता हूँ, तो ऐड बैक करने के बाद मेरे पास कैश एंड इक्विवेलेंट का एंडिंग बैलेंस निकल आएगा जो कि हमारे पास मौजूद है 60,000। ये देखिए जो 60,000, ये 60,000 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? मुश्किल तो नहीं होगा? ऑब्वियसली शुरू में चीज़ मुश्किल ज़रूर लगती है, लेकिन चूंकि एक दफ़ा फॉर्मेट हम याद कर लेंगे या फॉर्मेट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमें ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। सारे पूरे सवाल को सॉल्व करने के बाद आई ट्राई कि मैं ये सवाल आसान रखूँ, लेकिन इतना आसान नहीं रखूँ कि कुछ लर्निंग ना मिले। तो मैंने इस सवाल को उससे डिज़ाइन किया था, ये सवाल में से मैंने P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट कहते हो, वो निकाल दी थी, और जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी उसे मैंने
बैलेंस शीट आइटम से ही निकालने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो हमने सॉल्व किया वो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए किया। कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड भी होता है, दोनों मेथड में जो तब्दीली होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तरीका तब्दील हो जाता है डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में, इसके अलावा कहीं हमें कोई तब्दीली नहीं दिखती। अब आते हैं, हमारे पास एक ओवरव्यू का सेक्शन है, हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरे लेक्चर को एक ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा और हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए और इस सवाल के एंड तक पहुंचते पहुंचते हमने क्या क्या देख लिया। अच्छा, मैं आई विल रियली वेलकम कि अगर आपकी तरफ से कुछ सवाल आते हैं इस सेशन के दौरान भी और बाद में भी, तो आई विल लव टू लाइक आंसर दोज क्वेश्चंस। पहले मैं देख लेता हूँ कुछ सवाल हैं, अगर नहीं है तो फिर हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, चल हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन से। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है कि मेरे कैश में होने वाली तब्दीली किस किस वजहों से हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितनी तब्दीली हुई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितनी तब्दीली हुई है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितनी कितनी तब्दीली हुई, और किस आइटम ने मेरे कैश को किस हद तक डिस्टर्ब किया थ्रू आउट द पीरियड। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एनुअली बनाए जाते हैं, इसके साथ सेमी एनुअली भी बनाए जा सकते हैं, क्वार्टरली भी बनाए जा सकते हैं, मंथली भी बनाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड कि हम इसे कब बनाना चाहें। तो जब भी मैं पीरियड की बात करता हूँ तो पीरियड का मतलब एक्सक्लूसिवली साल नहीं है, ये कोई भी दौरानिया हो सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश में तब्दीलियों को दिखाता है कि कैश की तब्दीलियाँ कब, कहाँ, कैसे और किस वजह से आई हैं। तीन हमारे पास सेक्शंस होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा और आखिरी होता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको हम इंडिविजुअली अलग अलग हमने देखा था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, पहला सेक्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बेसिकली हर वो एक्टिविटी जो कि कारोबार को चलाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि माल का जैसे सेल करना, परचेज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को परचेज करना, फिर इसके बाद शॉप का या आपका शोरूम है या फिर जो भी आपका सेल्स वेन्यू है उसके रेंट को पे करना, उसकी मेंटेनेंस को पे करना, उसके बिजली के गैस के खर्चे जो भी होंगे ये करना, ये सारे के सारे। इसके अलावा कस्टमर्स आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग जो कि कारोबार में सेल लाने के लिए मददगार साबित होते हैं उन सबको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डालते हैं। जो कारोबार के ऑपरेशन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डाल रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली हमारे दिखाती है कि हमने हमारे पास जो भी फाइनेंस इकट्ठा हुआ था उस फाइनेंस को हमने बेसिकली कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। मोस्टली इन्वेस्टमेंट हम फिक्स एसेट की बात कर रहे होते हैं कि फिक्स एसेट में हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हम करवा लेते हैं कहीं पर, बहुत लंबी मुद्दत के लिए पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा था, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी और मैंने कोई नई मशीन खरीदनी, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद कारोबार करूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, मैंने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए बहुत सारे, अब ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे जो पैसा जाएगा जिसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैटेगरी के अंदर डील करेंगे, और साथ ही साथ इस इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही डील किया जाएगा। वो एक बहुत फेमस टीचर है, वो एक बात कहते हैं कि जहाँ गाय जाएगी वहाँ उसका बछड़ा भी जाएगा, तो जहाँ बॉन्ड्स हैं वहाँ उसके पीछे बॉन्ड्स पर आने वाला इंटरेस्ट भी वहीं डील किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं खुद अपनी कंपनी चलाता हूँ लेकिन मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकता हूँ, किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपना बिजनेस होने के बावजूद किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। तो इसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाएंगे, सेक्शन 2 में दिखाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ
अब अगेन वही बात, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, चाहे मैं कॉमन स्टॉक खरीदता हूँ, तो उस पर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो उस डिविडेंड को भी मैं इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सेक्शन में ही दिखाऊंगा और उसको वहीं पर कैश को आते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि रूल वही है कि जहां गाय जाएगी वहां उसका बछड़ा भी जाएगा। तो मीन्स उससे रेलिवेंट जितने भी एसेट्स हैं, वो भी रेलिवेंट जितने भी अकाउंट्स हैं, वो भी उसी सेक्शन के अंदर डील किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा और आखिरी मौजूद है हमारे पास ऐसे, वो यही है कि जिसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। कारोबार में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेसिकली अब वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज आती हैं जो कि कारोबार में सरमायाकारी लाने के लिए या पैसा लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे मैं बॉन्ड्स इशू कर सकता हूँ कारोबार में पैसे लाने के लिए, साथ साथ मैं कॉमन स्टॉक भी इशू कर सकता हूँ कारोबार में लाने के लिए, पैसे लाने के लिए, साथ ही साथ मैं किसी तरीके के डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ कारोबार में पैसा लाने के लिए, मैं प्रेफर्ड शेयर्स इशू कर सकता हूँ कारोबार में पैसा लाने के लिए, मैं बैंक से जाकर लोन ले सकता हूँ कारोबार में पैसा लाने के लिए। ये सारी की सारी एक्टिविटी जो कारोबार में फाइनेंस की या कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करेंगे, इसे मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में डालूंगा और वहीं पर डील किया जाएगा। अब बात आती है इनसे रेलिवेंट अकाउंट्स की। लेट्स सपोज अगर मैंने कॉमन स्टॉक्स इशू किए हैं, कॉमन शेयर्स इशू किए हैं, तो अब जब इस पर डिविडेंड पे करने की बारी आएगी, अगर वो डिविडेंड मैंने पे कर दिया तो उसे भी मैं इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सेक्शन में ही डील करूंगा। और अगर मैंने बॉन्ड्स इशू किए थे तो बॉन्ड्स पे जो मैंने इंटरेस्ट देना था, या डिविडेंड पे मैंने डिबेंचर्स पे जो मैंने इंटरेस्ट देना था, इसे भी मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही डील करूंगा। लेकिन अगर मैंने अपनी फाइनेंस की ज़रूरत को पूरा किया था बैंक से लोन लेकर, तो अब बैंक को जो मैं इंटरेस्ट की अदायगी करूंगा, जो लोन पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, इसे भी मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही शामिल करूंगा। रीज़न और रूल क्या है, वो जो फेमस रूल है कि जहाँ गाय जाएगी वहाँ उसका बछड़ा, ये बहुत ही ऑड सी लगती है बात, लेकिन इट्स रियली हेल्प अस कि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ। तो अच्छा, इसके बाद ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें बताती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कहाँ कहाँ हमारा कैश आया, कहाँ कहाँ हमारा कैश गया। तीनों को समअप करते हैं तो हमारे पास नेट कैश में होने वाली तब्दीली दिख जाती है। यहाँ तक ओके, इन सबको समअप करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बताती है कि पूरे दो पीरियड में कैश में कितनी तब्दीली आई है। इसे मैं अपने ओपनिंग बैलेंस में ऐड करता हूँ तो मेरे पास कैश का एंडिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर के शुरू में देखा था वो ये था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही, बल्कि कैश इक्विवेलेंट की बात भी हो रही है। मीन्स कैश के साथ साथ बैंक की बात भी हो रही है। जो पैसा हार्ड कैश की शक्ल में मेरे कारोबार में मौजूद, ड्रॉर के अंदर मौजूद है, उस कैश की बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास बैंक बैलेंस में मौजूद है उसकी बात भी की जाए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों की बात की जा रही होती है। क्योंकि अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ तो ऑब्वियसली वो हार्ड कैश मुझे कोई नहीं देके जाएगा, जो भी मेरा शेयर होल्डर है वो ऑब्वियसली मेरी अकाउंट में ट्रांजेक्शन गिरेगी। इस तरीके से जब बॉन्ड्स इशू करता हूँ तो वो भी मेरे हार्ड कैश में नहीं आती अमाउंट, वो मेरे अकाउंट में गिरती है। साथ ही साथ अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करूं तो यहां भी यही मामला आते हैं कि जब मैं कोई लैंड वगैरह या कोई एसेट खरीदता हूं या एक लॉन्ग टर्म एसेट खरीदता हूं, तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट भी नॉर्मली बैंक ड्राफ्ट से की जाती है या फिर चेक से की जाती है, तो हार्ड कैश का इस्तेमाल नहीं। इसीलिए हम कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। अच्छा, इस ओवरव्यू के साथ साथ एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, वो ये की थी कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड्स मौजूद हैं। एक मेथड है हमारे पास डायरेक्ट और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इसको मैंने बचा रखा है अगले लेक्चर के लिए, कि अगले लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे और इस पे हम बात भी करेंगे कि इसको किस तरीके से लेकर चलना है। और अच्छा, अब एक और चीज़ वो है आप लोगों की, वो है आप लोगों का होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेम जो हमने अभी सवाल क्वेश्चन में देखा था, अभी जो हमने सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसे ही है। मैंने सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया और साथ ही साथ फिगर्स को चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि सेम क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस जो आपको सवाल अभी सामने दिख रहा है, साथ ही साथ ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ भी क्वेश्चन वैसे भी शेयर कर लूँ। लेकिन अगर मैं नहीं शेयर कर पाया तो ये सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे मामलात होने के बाद हम जाते हैं दोबारा ओपनिंग पे और ओपनिंग में से देखते हैं कि कुछ
ऐसा चीज जो कि हम मिस तो नहीं कर गए? नहीं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, हमने मेथड देख लिया, हमने सेक्शंस देख लिए, हमने रूल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कुछ सवाल आया है तो सवाल का आंसर दे दूँ। नहीं जी, फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं आपके पास। चले, तो टाइम है हमारे पास, तो हम एक आध सवाल और देख लेते हैं। बच्चों ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एज एन होमवर्क दिया जा गया है। अब अगर मैं इन्हीं सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं एक्सेल पे जल्दी लिख कर लेते हैं, ऑल दो ये आपका होमवर्क है, बट इट्स गुड कि हम एक सवाल को और सॉल्व कर लेंगे तो हमारी सही कर पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ सॉल्यूशंस पे। फॉर्मूलाज एक दफा देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चले, वी आर गुड टू गो। ये हमारे पास कंपनी का नाम चेंज करते हैं क्योंकि कंपनी का नाम सवाल में डिफरेंट है। ठीक है जी, एयर और बाकी सब कुछ सेम थे। अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैं हटा दूंगा क्योंकि ये वो नंबर्स नहीं है। हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट, हमारे पास देखते हैं रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना मौजूद है। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारे पास क्लोजिंग। इसको लेट मी फिक्स दिस थिंग। चलिए ये देखिएगा, हमारे पास ये रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है 75,000। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास एंड ओके, ये जो एरर था एरर को भी ठीक कर देते हैं। ₹25,000 का हमारा चेंज आया। डिविडेंड डिक्लेयर हमने कितने किए हैं सवाल में, इस सवाल में फिर 10,000 डिक्लेयर किए हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। 15,000 का नेट हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है बिफोर इनकम टैक्स